हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर फैकल्टी एट अभिमन्यू आई एस ए मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट इन ट्राई सिटी तो आज हम यहाँ पे पी पी एस सी का सेशन करेंगे स्टूडेंट और सेशन जो हमारा रहेगा दैट इज़ फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज। पंजाब सिविल सर्विसेज में जो हमारे पी वाई क्यू के सेशनस हैं उनको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा आई थिंक सो थर्टी सिक्स सेशन है स्टूडेंट इससे पहले हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे ठीक है मेरे क्वेश्चन करने का जो वे रहता है वो ये रहता है कि मैं क्वेश्चन चाहे हम पूरे सेशन में हम चाहे पांच ही क्वेश्चन क्यों ना करें बट उसको हम बहुत ही डिटेल फॉर्म में डिस्कस करते हैं सो so दैट आपको ये पता चले कि हाँ जी कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है ठीक है किस तरीके से एग्जाम एग्जामिनर की डिमांड है किस तरीके से वो क्वेश्चन पुट पुछ कर रहा है ये चीज़ हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं राइट किस तरीके से स्टेटमेंट सेट हो रही हैं कितना लेंदी क्वेश्चन है एग्जामिनर कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है करंट अफेयर से आपके स्टैटिक पोर्शन से या फिर स्टैटिक प्लस करंट अफेयर से किस तरीके से वो क्वेश्चन सेट कर रहा है राइट तो उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं हमारे सेशन के अंदर ठीक है तो अगर कोई स्टूडेंट न्यू है जिसने आज ही फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ पे वीडियो देख रहा है तो स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप सबसे पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप उन पर जाइए ठीक है एकदम से ऐसे बीच में आकर अगर आप क्वेश्चन समझना स्टार्ट करेंगे तो मे बी uh, आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है या आपको समझ में ना आए कि किस तरीके का वे है या कहाँ से ये क्वेश्चन आया बिकॉज बहुत सारी चीज़ें पहले हम डिस्कस कर चुके होते हैं ठीक है तो उनको मैं रिपीट नहीं करती हूँ जब वापस से वही क्वेश्चन यू नो या फिर वही चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं तो आप जो है वो मेरे सेशन वन से स्टार्ट कीजिए ठीक है और इस तरीके से आप जो है वो सेशन करते करते जाओगे ठीक है चीज़ जो मुझे इम्पॉर्टेंट बतानी है अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही दिन में बैठ के दस दस वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि पी वाई क्यू तो मेरे बहुत अच्छे से हो गए लॉ जी कर दिया चलो जी पी वाई क्यू डन नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है स्टूडेंट एक एक करके सेशन देखिए पेशेंस के साथ देखिए अपने साथ पी डी एफ लेकर बैठिए चाहे ऑनलाइन चाहे फिर ऑफलाइन उसकी हार्ड कॉपी निकाल के और क्वेश्चन को देख देख कर उसको समझिए और जिस तरीके से मैं उसको यू नो टैकल कर रही हूं उस चीज को भी समझिए कि मैम किस तरीके के मेथड से किस मेथड से वो क्वेश्चन को टैकल कर रही है ठीक है अंडरस्टूड ओके ओके तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट से स्टूडेंट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है सबसे पहले तो यही बात नोट करने वाली है यहाँ पे कि दिस क्वेश्चन आस्क फ्रॉम करंट अफेयर ठीक तो है तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ट्वेंटी ट्वेंटी का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी की ये बात कर रहा है यहाँ पे तो पहले ये स्टेटमेंट में ये बोलता है कहता है इट वॉज़ पब्लिश्ड बाई नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस सबसे पहले स्टेटमेंट में ये बोलता है कहता है ये पब्लिश करता है हमारा नीति आयोग नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग क्या है गवर्नमेंट में उसका क्या रोल है क्या वो एक स्टेचुट्री बॉडी है तो आप कमेंट करके बताओ मुझे कि नीति आयोग जो है क्या ये एक स्टैचुट्री बॉडी है या फिर ये एक सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है जो गवर्नमेंट को एडवाइज़ करती है ठीक है तो ऑप्शन मैंने आपको दे दिए दो ठीक है इज़ इट स्टैचुटरी बॉडी और इट इज़ एन मेयरली एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो आप बताइए कमेंट करके कि क्या है नीति आयोग ठीक है जी तो सेकंड स्टेटमेंट देखिए कहता है इट एग्जामिन द एक्सपोर्ट इकोसिस्टम ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कहता है ये एग्जामिन करती है एक्सपोर्ट सिस्टम को हमारे एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को इंडियन स्टेट्स के अंदर और हमारी यूनियन टेरिटरीज के अंदर थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं हाँ जी कहता है थर्ड स्टेटमेंट में कहता है कहता है पॉलिसी बिजनेस इकोसिस्टम एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आर द फोर पिलर्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेरनेस इंडेक्स क्या था इसके चार हमारे जो प्रिपेयरनेस uh, इंडेक्स है वो पॉलिसी बिजनेस इको सिस्टम एक्सपोर्ट इको सिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस चार पिलर हैं हमारे एक्सपोर्ट प्रिपेरनेस इंडेक्स की कि जब भी आपको एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स प्रिपेयर करना है उसके चार मेन पिल्लर हैं पहला पॉलिसी किस तरीके की है बिजनेस कैसा है इको सिस्टम कैसा, कैसा है एक्सपोर्ट इको सिस्टम कैसा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी है इन बेसिस पे फिर फोर्थ नंबर पे ये बोलता है कहता है गुजरात जो है द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट यू नो दैट गुजरात वाले लोग पता है ना कि सबसे ज्यादा धंधा बनाने वाले लोग कौन हैं गुजराती है ना बिजनेस माइंडेड पीपल होते हैं वो गुजराती हमारे इंडिया में देख लीजिए आप जितने टॉप बिजनेस पर्सन हैं दे ऑल बिलोंग फ्रॉम गुजरात ठीक है ये तो कन्फर्म है ठीक है ये सबको पता है तो गुजरात इमर्ज एज ए टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द कोस्टल स्टेट कैटेगरी फॉलोवर्ड बाई केरला एंड तमिलनाडु एक चीज याद रखिए स्टूडेंट कोई भी अगर हमारा एक्सपोर्ट है अगर आप इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं तो स्टूडेंट ज्यादातर जो हमारा ट्रेड होता है सेवेंटी परसेंट जो हमारा ऑलमोस्ट ट्रेड है दैट इज वाया ओशियन या सी ठीक है पुराने समय से कोई आज का नहीं है ठीक है ओनली ट्वेंटी एट थर्टी परसेंट जो हमारा ट्रेड है वो वाया लैंड पॉसिबल है ठीक है बिकॉज सी से ट्रेड करना बहुत ईजी है स्टूडेंट आप देखिए इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स आए ठीक है सबसे पहले उन्होंने कॉलोनाइज किया तो वो हमारे कोस्टल एरियाज ही थे बंगाल मुंबई सूरत राइट गुजरात के अंदर जो सूरत प्रेजेंट है ठीक है एंड गुजरात इज अ कोस्टल स्टेट सो दैट्स वाई स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट right? तो गुजरात जो है वो कहता है इमर्ज है टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में अच्छा सिक्स फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए आप, आप क्वेश्चन की लेंथ देखिए बच्चे ठीक है मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है राइट अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन कहता है इन द कैटेगरी ऑफ लैंड लॉक स्टेट जो हमारे लैंड लॉक स्टेट है लैंड लॉक मतलब कि चारों तरफ जिनके लैंड है ओशियन से वो टच नहीं करते या सी से उनकी बाउंड्री टच नहीं करती है कहता है मध्य प्रदेश इज द टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कहता है उसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है हिमालयन स्टेट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कहता है हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जो है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में है रिस्पेक्टिवली तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट में बात करता है ट्रू पूछा है इसने कहता ट्रू स्टेटमेंट पूछी है तो ट्रू पूछिए तो उसको सर्कल कीजिए ठीक है इनकरेक्ट की इसने बात नहीं किया यहाँ पे तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आपका बनेगा आपको क्या लगता है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द आंसर की इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अवर ए वाई क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आप इस पे जाइए फिफ्थ स्टेटमेंट पे जाइए अगर आप फिफ्थ स्टेटमेंट एलिमिनेट करने में सक्सेस हो जाते हो ना तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है देखो कहता है इन द कैटेगरी ऑफ लैंडलॉक स्टेट ठीक है कहता है अमंग हिमालयन स्टेट एंड सिटी स्टेट हिमाचल प्रदेश जो है वो टॉप है नहीं हिमाचल प्रदेश नहीं बचे उत्तराखंड उत्तराखंड टॉप परफॉर्मिंग स्टेट था अकॉर्डिंग टू द एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ डेटा हमेशा अपडेट करके रखा करो अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है तो आपको एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2023 या 2024 जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले का जो लेटेस्ट होता है उसको आप अपडेट करके रखिए उसमें से आप अपने नोट्स सेट करके रखिए ये पता चले आपने ये दोबारा से पूछ लिया और आपने इस हिसाब से आपने आंसर कर दिया तो आप पूरी आपने मैथ्स मचा दी पेपर में बैठ के ठीक है तो जो सबसे टॉप पे था वो था हमारा यूके मतलब कि उत्तराखंड दैट्स नॉट अ यूनाइटेड किंगडम उत्तराखंड और सेकंड नंबर पे था हमारा त्रिपुरा मैं उस टाइम की बात कर रही हूं थर्ड नंबर पे था स्टूडेंट हमारा हिमाचल प्रदेश तो दैट्स वाई स्टूडेंट ऑप्शन फाइव जो है वो यहां पे गलत हो जाता है इसी से आप अपना करेक्ट uh, ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं दैट इज अवर फर्स्ट वन टू थ्री फोर वन टू थ्री क्लियर है ओके ठीक है जी अच्छा फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी सही है ठीक ओके तो फिफ्टी नाइन पे आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन पढ़िए क्वेश्चन क्या है अच्छा कहता है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है यहाँ पे ठीक है अच्छा वर्ल्ड बैंक के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो आप लोग तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कीजिए बच्चे वर्ल्ड बैंक के बारे में कब बना ठीक है क्या इंडिया मेंबर है वर्ल्ड बैंक का ये तो बहुत ही छो मतलब यू नो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ऑब्वियसली इंडिया मेंबर है वर्ल्ड बैंक का ठीक है हाँ बट आजकल जो वर्ल्ड बैंक है अगर करंट अगर आपने इवेंट से अगर आप यू नो अवेयर हो और यू you नो know, आप पता है आपको तो वर्ल्ड बैंक जो है वो दिनों दिन भर दिन अपनी जो उसकी रेलिवेंसी है वो कम होती जा रही है और उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं अदर इंस्टीट्यूशंस और उसमें सबसे इमर्जिंग जो हमारे एशिया के इंस्टीट्यूट्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं जैसे एग्जाम्पल दू तो ब्रिक्स राइट right? जो ब्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो यू you नो know, रिप्लेस करता जा रहा है अदर इंस्टीट्यूशंस को जो हमारी वर्ल्ड की अदर इंस्टीट्यूशंस हैं एशियन बैंक्स ब्रिक्स राइट जो जितनी भी हमारी ऐसी बॉडीज़ हैं ठीक है थीके? वो उनकी तरफ जो है अब वो अ, मतलब यू you नो know, अट्रैक्शन बढ़ रही है ज़्यादा से ज़्यादा न्यू कंट्रीज उसको ज्वाइन कर रही हैं कि अभी भी आपको पता है ब्रिक्स के अंदर अभी न्यू कंट्रीज इन्वॉल्व हुई हैं ठीक है बंद करें तो कमेंट कर देना आप ठीक है अगर आपको पता है तो ठीक है ओके ओके तो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कहता है यूजिंग द मेथड एक्सचेंज फॉर दी ट्वेंटी इंडिया फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर इनकम ग्रुप्स चार इनकम ग्रुप है स्टूडेंट जिसके अकॉर्डिंग हर एक कंट्री को क्या किया गया डिवाइड किया गया ठीक है अच्छा पहली है स्टूडेंट हमारी लो इनकम कंट्री ठीक है दूसरी है हमारी लोअर मिडल इनकम कंट्रीज थर्ड वन इज अपर मिडल इनकम कंट्रीज एंड डी ऑप्शन इज अवर हाई इनकम कंट्रीज ठीक है हाई इनकम कंट्रीज में जैसे क्या आएगा हमारी हमारी यूएसए कैनेडा फ्रांस यूके ये सब हाई इनकम कंट्रीज है ठीक है अच्छा इंडिया जो है वो लाई करता है स्टूडेंट हमारा लोअर मिडल इनकम कंट्रीज इंडिया जो है वो हमारा लाई करता है बच्चे लोअर मिडल इनकम कंट्रीज के अंदर ठीक है लोअर में अभी हम अपर में नहीं आए हैं ठीक है अच्छा लो इनकम कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हो आप जैसे कि ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज सूडान युगांडा जैसी कंट्रीज़ जो हैं जो मतलब, you know, बहुत ही मतलब यू नो पावर्टी जहाँ पे बहुत ज़्यादा तो दैट इज़ कंसिडर्ड इन अवर लो इनकम कंट्रीज़ ठीक है तो उसके बारे में पता होना चाहिए और इंडिया जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री कंट्रीज़ में काउंट होता है ठीक है क्लियर आपको येसर yes नो no? अच्छा तो चाइना के बारे में बता सकते हो क्या चाइना के कहाँ पे लाई करेगा हुँ? आज तो मैं आपसे बड़े सारे क्वेश्चन पुट करने वाली हूं ठीक तो है ओके अच्छा तो सिक्सटी नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये हमारा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा दट इज फ्रॉम पंजाब जीके पंजाब जीके का क्वेश्चन है ये ठीक है तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पहले है फुलकारी कटरानी राइस तिरसी सुपारी चंदेरी ठीक है इनके बारे में पूछा है कहता है एज ऑफ नाउ एज ऑफ नाउ पंजाब हैज द जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग विच ऑफ द विच ऑफ द अबव प्रोडक्ट जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग के बारे में पता है आपको ठीक है ऐसे प्रोडक्ट स्टूडेंट जो कल्चरल या जो मतलब कल्चर में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उनकी एक अलग से आइडेंटिटी है ठीक है जैसे किसी स्टेट का कोई फूड वहाँ की कोई क्रॉप ठीक है जो स्टेट से जानी जाती है ठीक है वहाँ के कल्चर से वो जानी जाती है ठीक है तो उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट तो यहां में से कहता है कहता कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो पंजाब का जियोग्राफिकल इंडिकेटर जिसको टैग मिला है ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है पहला फुलकारी दूसरा कटरानी राइस तीसरा सिरसी सुपारी और फोर्थ है हमारा चंदेरी ठीक है ओके तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है हमारा फर्स्ट फुलकारी आपको पता है फुलकारी फुलकारी दुपट्टा राइट जो हमारे जो हमारी पंजाबी विमेंस हैं ठीक है थीके? वो उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है हमारी खास करके जो पंजाबी लेडीज़ होती हैं वो उसको कैरी करती हैं आपने देखा होगा बहुत ही ब्यूटीफुल कलर में और बहुत ही फाइन थ्रेड के साथ इसको बनाई जाती है राइट पहले तो हैंडमेड आती थी जिसमें हैंड में हैंड से जो है फुलकारी को बनाया जाता था ठीक है ख़ास करके मैरिजेज़ के अंदर या बहुत जो ऑस्पिशियस जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं ठीक है वहाँ पर विमेन जो है वो उसको कैरी करती हैं ठीक है थीके? न्यूली uh, मैरिड जो वीमेंस होती हैं ठीक है थीके? वो भी इसको कैरी करती हैं तो फुलकारी को हमारे यहाँ पे जीआई टैग मिला है पंजाब के अंदर ठीक है ये आपको याद रखना है राइट ओके ठीक है सिक्सटी वन नंबर क्वेश्चन पढ़िए बच्चे अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा जर्नल साइंस का जर्नल साइंस के क्वेश्चन बहुत कम आए थे टू 2020 के पेपर में बहुत ही कम मतलब एकदम से रेट ड्रॉप हो गया था एक्चुअल में बहुत सारे तो इवन मेरे जो स्टूडेंट्स उनको शॉक तक लग गया था कि यार ये क्या हो गया पंजाब मतलब जर्नल जी के जो हमारी जर्नल साइंस होती है जिसमें से हर साल जो वेटेज है वो ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्वेश्चन का इवन कई बार तो ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस बार क्या हो गया ऐसा कि इतने कम क्वेश्चन आए तो वो कई बार हो जाता है बच्चे की किसी सब्जेक्ट की वेटेज जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो अपने आप को उस टाइम पे इस ऐसे वो रखना काम रखना ऐसा ना हो कि आपने एकदम से देखा कि और जी के फैक्ट्स के क्वेश्चन भर भर के पूछे और मुझे तो आता ही नहीं है नहीं नहीं आपको आता होगा अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की होगी ना तो आपको डेफिनेटली आता होगा ठीक है डेफिनेटली आप कर ले जाओगे बस आप अपने उस टाइम पे आप अपने आप को काम रखना फोकस्ड रखना और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ठीक है अगर आपने प्रेपरेशन करी है तो आप इतना जरूर कर ले जाओगे कि आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर दो ठीक है ओके ये बात क्लियर है ठीक है जी तो मीजो इज ए मिलिंग ट्यूमर इज कॉज बाय बट ठीक है यहाँ पे ट्यूमर के बारे में ये पूछता है यहाँ पे मीजो कि इसके बारे में ये पूछता है चार स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है कहता है फर्स्ट वन इज कैडमियम आरसेनिक एसबेस्ट्रोस एंड लेड कहता है चारों में से आप मुझे बताओ कि कौन कॉज करता है हमारा दिस मिलिग्नेट ट्यूमर जो है वो कॉज करता है तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है हमारा एसबेस्ट्रो ठीक है होता क्या है स्टूडेंट तो देखिए बच्चे जहाँ पे भी बहुत ज्यादा धूल बहुत होती है जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा धूल वहाँ पे क्यों क्योंकि वहाँ पे पूरा दिन तोड़फोड़ चलती है इसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है या आपने जो आ, आटा चक्की देखी होंगी आटा मिल्स देखी होंगी आपने फ्लोर जो अपनी फ्लोर मिल्स होती हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे डस्ट होती है ठीक है और जब वो फाइन डस्ट आपकी ब्रीद के साथ जब वो अंदर जाती है ठीक है तो कई बार क्या होता है वो सेल्स को इस हद तक यू नो डैमेज कर देती है कि वहाँ पे ट्यूमर तक बन जाता है ठीक है वहाँ पर ट्यूमर तक जनरेट हो जाता है स्टूडेंट तो दैट्स वाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी ओनली थ्री ऑप्शन एस बेस्ट ठीक है दैट इज कॉज बाई एस बेस्ट ठीक है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ये बात क्लियर हुई आपको यस और नो यस नो सिक्सटी वन नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको ठीक है जी ओके तो टू नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे ठीक है सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन पढ़ो बच्चे फटाफट भट से सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन पढ़ दो ठीक है कहता थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ इन व्हीकल टू रिड्यूस ठीक है जो हमारे पेट्रोल इंजन होते हैं ना स्टूडेंट पेट्रोल इंजन ठीक है थीके? वहां पे हमारे थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर हम यूज करते हैं थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर कर, यूज करते हैं पहले में कहता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन दूसरा कार्बन मोनोक्साइड तीसरा नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड फोर्थ वन इज अवर सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा है इसने कि ऐसे कौन से तीन थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर हैं जिसके अंदर वो हम व्हीकल्स में यूज करते हैं टू टू रिड्यूस क्या रिड्यूस करने के लिए हम थ्री वे थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर हम यूज करते हैं तो पहला देखिए पहला है इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा दैट इज अवर अनबर्न हाइड्रोकार्बन दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड थर्ड वन इज अवर नाइट्रिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड इसमें आंसर नहीं है ठीक है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट दैट इज अवर दैट इज अवर, अवर वन टू थ्री ए ऑप्शन इसका करेक्ट है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड नहीं आता देखो बच्चे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना देखो इनका बहुत बार बच्चे मेरे पास एंटी हो जाते हैं कि मैम ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल करें आ, हो सकते हैं हमने ना पढ़ा हो ठीक है बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो आपको ना पता हो कि हाँ जी ऐसे कौन से तीन हैं हो सकता है आपको ये लगता हो कि यार चारों ही सही होंगे है ना सल्फर डाइऑक्साइड को भी होता होगा करते होंगे ये कन्वर्ट ठीक है तो इन तीनों को वो क्या करता है यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता है इन तीनों को वो कन्वर्ट करता है लेस हार्मफुल गैसेस के अंदर लेस हार्मफुल गैसेस के अंदर वो कन्वर्ट करता है हमारा थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर सल्फर डाइऑक्साइड को वो नहीं करता है ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा फर्स्ट बनेगा ए ऑप्शन ठीक है ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका एक ही होता है बच्चे दिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर टोटली डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज ठीक है ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आप अपनी नॉलेज से सॉल्व कर पाते हो यहाँ पे कॉमन सेंस लॉजिक और ये सब चीजें तो कम ही चलती हैं ठीक है थीके? ओके ठीक है ठीक है तो मूव करते हैं हमारे थ्री नंबर क्वेश्चन पे जी बताइए जी क्वेश्चन रीड करते हैं। काफी लेंथी सा क्वेश्चन है पढ़ते हैं ओके okay. कहता है स्टेटमेंट अबाउट पता है आपको क्या होती है? तो टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनिंग के बारे में यहाँ पे यह बात करता है कहता है इट इज द मेजरमेंट एक्वायर मिलीमीटर लेवल ऑफ डिटेल फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया ठीक है ये कहता कहता एक तरीके की मेजरमेंट टेक्निक है जिसको हम एक्वायर डेट कैन एक्वायर मिलीमीटर लेवल ऑफ डिटेल बहुत ही माइन्यूट डिटेल जो है वो अपने सराउंडिंग एरियाज की कैप्चर करती है उसको वो मेज़र कर सकती है दूसरा कहता है इट अलाउज़ रैपिड ऑटोमेटिक पीरियोडिकल एस्टिमेट्स ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इन्वेंट्री एट्रीब्यूट्स एक्चुअल में स्टूडेंट लेजर स्कैनिंग है ना बच्चे एक्चुअल में में इसको फॉरेस्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है उसको एस्टिमेट करने के लिए इंपॉर्टेंट हमारी फॉरेस्ट इन्वेंट्री एट्रीब्यूट्स को अच्छा थर्ड कहता है कहता है इट मेजर्स इट मेजर्स द सराउंडिंग थ्री डे स्पेस थ्री में ये मेजर करती है फोर्थ में कहता कहता है इट इज ए सैटेलाइट बेस्ड टेक्निक दैट इंश्योर्स द प्रिसाइज स्टैंडर्ड सर्वे नई स्टेटमेंट ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है सैटेलाइट बेस्ड नहीं है बच्चे ये जो हमारी टेरेस्ट्रियल लेजर टेक्निक है ना वो सैटेलाइट बेस्ड नहीं है ठीक है तो फोर्थ ऑप्शन जाते ही आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बचेगा वो आपका ही बचेगा दैट इज अवर ए ऑप्शन ठीक है दिस इज नॉट बेस्ड ऑन सैटेलाइट ठीक है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये ठीक है बहुत बार पूछा गया सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ठीक है सेटेलाइट बेस्ड टेक्निक नहीं है ये ठीक है हाँ ये मेजर करती है आपका सराउंडिंग थ्री डी डिमेंशनल स्पेस बिल्कुल करती है थ्री डी में ये वो लेती है मेजरमेंट करती है मेजरमेंट टेक्निक है जो मिली मिलीमीटर लेवल तक डिटेल जो है वो निकाल सकती है दूसरा इट अलाउज रैपिड ऑटोमेटिक एंड प्रियोडिक एस्टिमेट्स ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एट इन्वेंट्री एट्रीब्यूट ठीक है उसमें ये तो बिल्कुल हेल्प करती ही करती है ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बना वन टू थ्री क्लियर है ये बात आपको यस और नो ठीक है जी ओके ठीक है जी तो सिक्सटी फोर नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कहता है कंसीडर द फॉलोइंग चूज द करेक्ट स्टेटमेंट पहला कहता है the Pacific nation of Palau, become the first country. कहता है द पैसिफिक नेशन ऑफ पेलाउ बिकम द फर्स्ट कंट्री कहता है पेलाउ जो है वो हमारा पहला कंट्री बन गया है ठीक है टू बैन द कोरल रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन जिसने सनस्क्रीन्स को बैन किया है जो टॉक्सिक जिसके अंदर ऐसी टॉक्सिसिटी मिली है सनस्क्रीन के अंदर सनस्क्रीन लगाते हैं ना हम सब लोग यूज करते हैं क्यों करते हैं टू ब्लॉक द यूवी लाइट ठीक है जो अल्ट्रा वॉयलेट रेज जो हैं जो हार्म जो सन से निकलती है स्टूडेंट जब वो हमारे स्किन के ऊपर आती हैं जैसे सनलाइट आती है आती, उसके साथ अल्ट्रा वॉलेट रेज भी आती है वैसे तो काफ़ी हद तक जो हमारी अल्ट्रा वॉयलेट रे वगैरह होती है ऐसी जो हार्मफुल रेज होती है वो हमारी ओजोन लेयर उसको रोक लेती है बट कुछ अमाउंट में अग, वो अर्थ तक पहुंचती भी है तो जो हमारी स्किन अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी हमारे अल्ट्रा वॉयलेट रेज जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगी तो स्किन में क्या कर सकती हैं उसको हार्म कर सकती हैं उसको वो डैमेज कर सकती हैं राइट आपको एजिंग जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी डेड सेल्स जो हैं स्किन में डेड सेल्स जो का अमाउंट जो है नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा ठीक है और यहाँ तक कि आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है ठीक है हाइपर पिगमेंटेशन ये वो हो, हो सकता है आपको प्रॉब्लम ठीक है तो अच्छा बट उन सनस्क्रीन्स के अंदर बच्चे कुछ टाइप के केमिकल्स होते हैं जो उसके अंदर होते हैं ठीक है कौन से केमिकल होते हैं जैसे कि ऑक्सीबेंजोन ठीक है ऑक्टीनो ऑक्सिट ठीक है दैट आर प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन जो एब्सॉर्ब करती है यूवी लाइट को जो क्या कर लेती है यूवी लाइट को एब्सॉर्ब कर लेती है और वो सन मतलब वो स्किन को हार्म नहीं करने देती ठीक है क्योंकि आपने जब सनस्क्रीन की आपने एक लेयर लगा ली ठीक है जब आपने एक लेयर लगाई अपने उसके ऊपर अपने हैंड के ऊपर ठीक है तो वो क्या करेगी जो भी इसके अंदर केमिकल है तो वो क्या करेगी यूवी रेस को या तो एब्जॉर्ब कर लेगी या फिर उसको क्या कर देगी रिफ्लेक्ट बैक कर देती है ठीक है सो ऐसे ऐसे जो हमारे केमिकल्स हैं स्टूडेंट ऑब्वियसली जब सनस्क्रीन आप लगाते हो ठीक है तो ऑब्वियसली आप अपने आप को वॉश आउट भी तो करोगे अगले दिन क्लीनिंग करोगे तो वो सनस्क्रीन जो है वो पानी में डिजोल्व होकर कहाँ पे जाएगी ओशन में जाएगी अच्छा जब वो ओशन में जाएगी बच्चे तो वही केमिकल्स जो हैं वो क्या करेंगे वो क्या करेंगे हमारे कोरल रीफ के लिए वो टॉक्सिक का काम करेंगे ठीक है ओके ठीक है तो कोरल रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन ठीक है एब्जॉर्ब यूवी लाइट एंड दस हार्मफुल टू कोरल क्योंकि वो उनके अंदर ऐसी एबिलिटी है उन केमिकल्स के अंदर कि वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो कि आ, हमारे कोरल जो हमारा इकोसिस्टम है उसको वो क्या करेगा नुकसान करेगा ठीक है क्योंकि उनके उन जो केमिकल्स हैं उनके अंदर ये एबिलिटी है बच्चे कि वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ठीक है ठीक है आप तो बच गए लेकिन जो बाकी इको है उसको तो आपने नुकसान कर दिया ठीक है सो दैट्स वाई यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज बोथ वन एंड टू बोथ वन एंड टू दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं ठीक है थीके? कि पलाओ जो है हमारा वो पहला पैसिफिक नेशन नेशन के आ, हमारा जो पैसिफिक नेशन है जो हमारा पैसिफिक ओशन है उसके अंदर जो नेशन है हमारा पहला वो पहली कंट्री बनी है जिसने कोरल रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन को किया है बंद कि मार्केट के अंदर ऐसी सनस्क्रीन बिकेंगी ही नहीं ठीक है दूसरा ये कहा है कि केमिकल लाइक ऑक्सीबेंजोन और ऑक्टी ऑक्सीन ऑक्सीट दैट आर प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन एब्जॉर्ब यूवी लाइट एंड दस हार्मफुल टू अवर रल्स यू नो दैट कि जो कोरल इकोसिस्टम है बच्चे वो हमारे जो हमारा शेलो वाटर होता है राइट right? जो बिल्कुल हमारे कोस्टल रीजन के साथ लगता है जो हमारा शेलो वाटर होता है सी का उसी के अंदर हमारी इको हमारा कोरल रिलीफ का इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है और उसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए ओशन का वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा या अगर हमारा ओशन का वाटर पल्यूट होगा ठीक है उसके अंदर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो कोरल रीफ़ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती और अगर कोरल रीफ नहीं प्रेजेंट होगी तो हमारा जो ओशियन का इकोसिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ठीक है बिकॉज नंबर ऑफ लॉर्ड लैक्स ऑफ लैक्स मतलब नंबर जो है वो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे टाइनी uh, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे कोरल इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए न्यूट्रिशन के लिए शेल्टर के लिए ओके ठीक है कोरल रीफ पे अगर कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया तो मैं आपको वहाँ पे बहुत डिटेल में बताऊंगी कोरल रीफ होता क्या है वैसे तो मैंने पहले भी आई थिंक 2015 का पेपर था जिसमें कोरल रीफ का क्वेश्चन आया था तब मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे बात की थी कोरल रीफ के ऊपर ठीक है ओके ओके ठीक है स्टूडेंट इसी के साथ मैं ये सेशन कर रही हूँ ओवर बट बिफोर दैट स्टूडेंट हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज जिसमें स्टूडेंट हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए ठीक है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाएंगे आपकी प्रिपरेशन ठीक है और करते करते हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू